गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पाप है या पुण्य? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे, तो उनकी तरफ एक हिरण दौड़ता हुआ चला आया और उनके पीछे जाकर छुप गया। वो हिरण बहुत ही घबराया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उस हिरण के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्यों छुप रहे हो? जितने में उस हिरण का पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, न कि किसी और का। तब वह शिकारी क्रोध में बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मैं पकाकर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, क्या तुम धर्म को नहीं जानते हो? तब वह शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना ज्ञानी तो नहीं कि यह जानूं कि मांसाहार पुण्य है या पाप, पर मैं ये जानता हूं कि जीव को मारकर खाना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मांसाहार से तो मैं इस जीव को जीव बंधन से मुक्त कर रहा हूं, फिर क्यों मांसाहार से मना किया जाता है? वैसे भी मैं इसको मारकर नीच योनि से मुक्ति दिलाकर पुण्य ही कमा रहा हूं, फिर इस पर पाबंदी क्यों? इसे तो प्रोत्साहित करना चाहिए। जहां तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी बताया गया है। राजा लोग शिकार किया करते थे। आप ही बताए, मांसाहार पुण्य है या पाप? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और इसने सोचने और समझने की बुद्धि भी खो दी है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम्हारे इस विषय पर पहले मैं तुम्हें कोई राय नहीं दूंगा। मेरी एक छोटी सी कथा सुनने के बाद तुम्हें उत्तर देना है कि मांसाहार पुण्य है या पाप है और तुम्हें मांस खाना है या नहीं। वह शिकारी सोचने लगा कि इसमें मेरा तो कोई घाटा है नहीं, इस कथा को मैं सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इस हिरण का मांस भी मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा कि सुनो, एक बार मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया तो अन्न का उत्पादन भी कम हो रहा था। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और संकट भीषण हो जाएगा। तो राजा ने अपनी राज्यसभा में मंत्रियों से पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है, वह तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप ना हो, ऐसे में तो कुछ संस्था हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम उत्तम अवसर है, क्यों ना अंधाधुंध शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस, इसके लिए धन का खर्च भी नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभा में सभी मंत्रीगणों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के मंत्री अभी भी चुप थे। राजा ने पूछा, मंत्री आप चुप क्यों हैं? आपने कोई अनुमोदन नहीं किया, आपका क्या मत है? मंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है, फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कर रखूंगा। मंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने इतनी देर रात मंत्री को अपने घर आते देखा तो वह घबरा गया, किसी अनिष्ट की आशंका से वह कांप गया। मंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब है, राजवैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसीलिए आपसे योग्य और कौन होगा, इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहें ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूं, एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं, बस आप अपनी इच्छा कहें, मैं तलवार से आपके हृदय को चीर कर बस 2 तोला मांस निकाल लूंगा। ये सुनकर सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं को मैं क्या करूंगा और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह झटपट अंदर भाग कर गया और अपनी तिजोरी से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की पोटली लेकर आया। मुद्राएं देखकर उसने मंत्री के पैर पकड़ लिए
और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मंत्री जी, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्राएं और मिलाता हूँ। इन मुद्राओं से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद ले, किंतु मुझे जाने दे। ये बात किसी और को पता न चले। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। मंत्री जी यह सब समझ चुके थे। मंत्री सामंत को थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। मंत्री ने आगे कहा, सामंत, आप शरीर से बलवान हैं, आपकी कद काठी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आपका ही नाम लिया है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहें तो मैं आपको मंत्री का पद देने को तैयार हूँ और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा, पर प्रजा से हमारे राजा न छीने। सामंत तो फंसता हुआ दिख रहा था। उसने शरीर पर अंग वस्त्र रखकर अपने जूते भी पहन लिए। जैसे ही वह वहां से भागने वाला था, वह तुरंत मंत्री के पैरों में लेट गया। उसने याचना की कि मंत्री जी, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो मंत्री पद का या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूंगा? आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले लें, पर मेरे प्राण न लें। मैं अपना ये भवन और सारा धन आपको सौंपता हूँ। रातों रात राज्य से निकल जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही अपने घोड़े पर बैठने लगा और आवाज आई कि तुम तो जा रहे हो और तुम्हारे अपने परिवार को पीछे छोड़े जा रहे हो। सामंत बोला, मेरे अपने प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो कुटुंब का क्या करूंगा? जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूंगा। इतना कहकर घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ भी गया। वह अभी चलने को ही था कि मंत्री ने घोड़े की लगाम पकड़ ली। वह सामंत से बोला, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो, मैं किसी दूसरे सामंत के घर जाता हूँ। ये कहकर मंत्री वहां से चले गए। मंत्री के वहां से जाने पर सामंत के अंदर कुछ जान तो आई, परंतु बेचैनी बनी रही। उसकी नींद खराब हो चुकी थी। मुद्राएं लेकर मंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुंचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी देने के लिए राजी नहीं हुआ। सबने अपने बचाव के लिए मंत्री को किसी ने 1 लाख तो किसी ने 2 लाख मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार मंत्री ने एक ही रात में लाखों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगले ही दिन राज्यसभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच गए। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है कि नहीं, लेकिन कोई भी किसी से भेद नहीं खोला था। सबको राजवैद्य की तलाश थी, उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी। मंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राज्यसभा में ना आए तब तक किसी भी सामंत को भी महल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। राजा सभा में अपनी चिर परिचित गति में आए और अपने सिंहासन पर आकर बैठे। सभी सामंतों ने देखा, कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लगे। उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। मंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी और को कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी मंत्री ने राजा के समक्ष 40 लाख स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए है और कहां से आई? मंत्री ने कहा, 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने ये मुद्राएं दी हैं। अब आप यह विचार कीजिए कि मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के अनाज भंडार में से अनाज निकाल कर श्रमिकों को दिया गया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया। वह 40 लाख स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। ऐसे साग सब्जी तेजी से उगी जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ और पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेती लहराने लगी। इस प्रकार राज्य से खाद्य संकट दूर हुआ। परमात्मा से यह ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वह जान गया कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर वहां से चला गया और उसने कसम खाई कि वह अपने संपूर्ण जीवन में किसी को भी कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के जरिए समझाना चाहते हैं कि हम यह न भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान प्यारी होती है।
वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।